हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं आपके एग्जाम की बात करूं तो अभी नवंबर एंड में, आप मान लीजिए 1 दिसंबर मान लीजिए, ठीक है ना? 1 दिसंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट होने हैं। किस किस के सर? सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 1। अब सेमेस्टर 5 वाले बच्चे, 1 वाले बच्चे और 3 वाले बच्चे, हमारे पास अगस्त में मात्र 15 दिन बचे हैं, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन और नवंबर में आपके पास 30 दिन है, डेज में अगर हम काउंट करें तो। टोटल मिला के हमारे पास 3.5 महीने हैं सिर्फ, मंथ में 3.5 महीने। और 3.5 महीने में हमारा एक बहुत बड़ा विशाल सा सिलेबस, 7 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है किसी किसी में, सेमेस्टर 1 में 7 है और सेमेस्टर 3 में भी 7 है, सेमेस्टर 5 में 4 सब्जेक्ट है और सभी सब्जेक्ट अपने आप में लेंदी। आप सब स्कूल में पढ़ते थे तो एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको प्रॉपर पूरा साल मिलता था, चाहे आपने 11th में अकाउंट्स पढ़ा, चाहे 12th में अकाउंट्स पढ़ा, मतलब एक सिलेबस के लिए पूरा साल। तो आप बिल्कुल स्लो स्लो स्टेप बाई पढ़ते थे, जिसके अंदर आपको चीजें अच्छे से आती थी। आज भी कंपेयर करोगे ना कहीं आप एक बात रियलाइज करोगे, और क्या रियलाइज करोगे कि 12th के जैसा ना मजा नहीं आ रहा, या 11th के अंदर इतनी अच्छी अकाउंट्स लगती थी, अब अच्छी नहीं लगती। बहुत बच्चों का ये मानना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए कि 12th के अंदर बहुत अच्छी अकाउंट्स थी, 11th के अंदर इतनी अच्छी अकाउंट्स थी, लेकिन अब हमें फर्स्ट ईयर में भी ऐसे निकल गया, सेकंड फाइनल ईयर, अब तो समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है। उसके पीछे ना आप ध्यान से अगर समझने की कोशिश करें तो सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर काम करता है, और वो फैक्टर क्या होता है? हमारा टाइम। एक तो सबसे पहले मैं 2 फैक्टर बोलूंगा, नंबर 1 टाइम, नंबर 3 आपकी लापरवाही, नंबर 3 आपकी लापरवाही, ठीक है ना? लापरवाही का मतलब से क्या है सर? आप बिल्कुल केयरलेस हो चुके हैं एज कंपेयर टू 12th। 12th का स्टडी आपका कैसा था? सुबह सुबह उठना 6 बजे, फिर स्कूल जाना, स्कूल से आके फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना, इंस्टीट्यूट का होमवर्क करना, स्कूल का होमवर्क करना, फिर 10 11 12 बजे तक सो जाना, फिर सुबह। वो रूटीन तो आपके लाइफ में रहा ही नहीं ना। हर बच्चे कहीं ना कहीं कोई जॉब में, कहीं ना कहीं किसी चीज में लग गए। तो मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि डोंट लेट मत होइए बिल्कुल भी, और आपके 12th वाले रिजल्ट चाहते हैं, या फिर 11th की तरह चाहते हैं, या चाहते हैं कि आपके अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स आए, तो प्लीज आप अभी से, अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा, इनफैक्ट मैं सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, आप अभी से सारे सब्जेक्ट्स को कंटिन्यूटी में अच्छे से पढ़ना चालू करिए, कंटिन्यूटी में अच्छे से धीरे धीरे करके पढ़ना चालू करिए, चाहे आपका थ्योरी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो। आप एक बात बना लीजिए कि आपको ये चीजें पढ़नी है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंगली आप सारा अपना, देखिए हर किसी का ना स्टडी प्लान मैं नहीं बना सकता, आप अपने स्टडी किस टाइम पे करेंगे वो अपने अकॉर्डिंगली बना लें आप, कि कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे करना है सारी चीजें। अगर हम देखते हैं तो फिर वो दिन में पढ़ना है, रात में टाइम है, कोई भी, डेली का आप 2 घंटे निकालिए अभी से, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। डेली के 2 आवर्स, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? डेली के 2 घंटे, तो लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये आपको मैं सजेशन दे रहा हूँ, 3.5 महीने बचे हैं और उसमें भी मैं ना 15 दिन निकाल दूंगा, क्योंकि अब जो स्टार्ट होता है ना हमारा सावन महीने के बाद, पूरा त्योहारों से भरा हुआ सीजन होता है हमारा। तो ऐसे सिचुएशन में, फेस्टिवल में, हमें ना चाहते हुए भी हमें बहुत सारे जगह पे स्टडी से दूर होना पड़ जाता है। जैसे मान लेते हैं रक्षाबंधन आ गया, रक्षाबंधन के बाद जाना ही है, फैमिली वाले आएंगे, वो टाइम निकाल दो आप।
फिर साथ के साथ आप रक्षाबंधन पे जो गर्ल्स है स्पेशली उनका शायद 2 दिन भी वेस्ट हो जाए। इसके बाद रक्षाबंधन के बाद हम अदर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं सर, और भी बहुत सारे फेस्टिवल, जन्माष्टमी चलो एक बार को, फिर दिवाली आ गया, फिर आपका और भी बहुत सारे फेस्टिवल है। मैं बोलूँ तो आपको भी पता है कि ये फेस्टिवल का सिलसिला पूरा चालू हो जाता है। तो मैं टाइम बोलूँ ना तो ओनली आपके पास 30 मतलब कि 90 डेज, 90 डेज है आपके पास और कुल 3 महीने हैं, ठीक है ना। तो आप अभी से ही स्टडी को स्टार्ट करिए और स्टडी को जैसे जैसे आपको टाइम मिले पढ़ते जाइए, और जब आपको लगे ना कि हमारे पास ज्यादा टाइम है तो आप पहले से ही बैकअप लेके चलिए, पहले से ही ज्यादा चैप्टर प्रिपेयर कर कर चलिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। हाँ, बहुत बच्चों का एक ये भी प्रॉब्लम था कि सर हमें नहीं पता कि हमारे सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं और कैसे पता चलेगा। मैंने हालांकि कई बार बताया तो बच्चे सोच रहे हैं हमारे कॉलेज से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम कैसे समझे कि हमारा यही सिलेबस होगा या नहीं होगा। उसके लिए मैं आप सभी बच्चों को कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, और कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको मैं वेबसाइट और आपको PDF डाउनलोड करके सारी चीजें मैं समझा देता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सिलेबस है या फिर नहीं है। देखिए सेमेस्टर 5 वाले, या फिर मैं ऐसा करता हूँ इसके लिए सेपरेट वीडियो अभी मैं बना दूंगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है ना, सेपरेट वीडियो भी बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं पूरा सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। अब रही बात सर हम स्टडी कैसे स्टार्ट करें, तो हमारा सेमेस्टर 3 में और सेमेस्टर 5 में एक कॉमन सब्जेक्ट है, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके लिए बुक की बात करें तो मैंने बोला है सर RP रस्तोगी बुक है, आप इसको बाय कर सकते हैं मार्केट से। मैं पूरा इस बार पढ़ाने वाला हूँ बुक से, 10 ईयर पूरा रिकॉर्ड हो चुका है, 10 ईयर भी डल जाएंगे, वो बुक से पढ़ाने वाला हूँ। अब मैं कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं, हमने एक सेमेस्टर ना 5 के अंदर बैच, 2 बैच लॉन्च किए थे, दोनों बैच आप सभी स्टूडेंट ने इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया हमें कि हमने जितना एक्सपेक्टेशन था कि बच्चे आएंगे उससे कहीं डबल बच्चे आ गए, और लास्ट में अब हमें ये बैच बंद करना पड़ रहा है क्योंकि इसके अंदर स्पेशली मतलब कि जो सर्वर का है या फिर जो भी आप कह लो टेक्निकल, जो IT वाले कहते हैं सर इसमें ज्यादा बच्चे लेंगे तो आप जब लाइव क्लास लेने जाएंगे तो उसके अंदर आप बच्चे मतलब कि कट आउट हो जाएगा या फिर कोई भी बोल रहे हैं कि इशू हो नहीं पाएगा स्मूथली। तो इसलिए हमने क्या करा है, एक न्यू बैच सेमेस्टर 5 के लिए, एक न्यू बैच सेमेस्टर 5 के लिए अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, ठीक है ना। सेमेस्टर 5 के लिए एक न्यू बैच जो कि हमने अभी लॉन्च कर दिया है 2.0 के नाम से। इस बैच का स्टार्ट मंडे से, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट होने वाला है मंडे से, जो कि MWF में रहेगा क्लासेस, और हो सकता है कुछ दिनों तक मैं रेगुलर भी ले लूं। शाम को 7 बजे स्टार्ट होना जा रहा है, तो जो बच्चे इसमें एनरोल होना चाहते हैं लाइव क्लासेस के लिए, जिनको रिकॉर्डेड एक साथ देखना है वो भी एनरोल हो सकते हैं, लाइव में वो भी हो सकते हैं। जिनको लगता है कि सर हम यूट्यूब पे ही बेहतर कर पा रहे हैं, जैसे जैसे वीडियो आता है और उस सीक्वेंस में सही वीडियो आ रही है आपकी और हम पढ़ लेंगे उसके अकॉर्डिंग, हमें कोई इशू नहीं है, तो वो बच्चे यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब एक है सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 3 की बात करें तो इसके अंदर भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर मैथ्स भी है। जिन बच्चों के पास स्पेशली मैथ्स नहीं था, वीक था, वो ज्वाइन हो सकते हैं। स्टैट्स भी है उनके पास, प्रोग्राम के पास स्टैट्स है, ऑनर्स के पास मैथमेटिक्स है। तो ये सभी सब्जेक्ट की क्लासेस जो है, सभी सब्जेक्ट्स का मंडे से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी बिल्कुल फ्रेश। टाइम डेट डेट आई डोंट नो क्या है, मेरे ख्याल 14 है, लेकिन हम मंडे से प्रॉपर वे में इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, समझे बात आप। तो मंडे से जो हम प्रॉपर वे में स्टार्ट करने जा रहे हैं तो होपफुली आपको थोड़ा क्लियरिटी मिला होगा। मेरा आज का ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको एक तो मैं सिलेबस के लिए दूसरा वीडियो बना दूंगा जिसपे स्क्रीन पे दिख जाएगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि सर आपके पास टाइम कम बचा है, डोंट वेस्ट टाइम, आपको मैं सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा दूंगा कैसे देखना है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि सिलेबस आता कहाँ है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना।
इन बैचेस को भी हमने लॉन्च कर दिया है आज से, अभी जब से वीडियो देख रहे हो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर भी दे रहा हूँ और उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। प्राइस वगैरह मैंने पहले ही बहुत नॉमिनल प्राइस रखा हुआ है। सेमेस्टर वन का भी बैच लॉन्च किया है और सेमेस्टर वन का जो बैच है ना ओनली 299, 300 रुपये में लॉन्च कर दिया है हमने। 300 मतलब 300 रुपये में पूरा सिलेबस, सेमेस्टर थ्री का सारा सब्जेक्ट नहीं, एक सब्जेक्ट FA फाइनेंशियल अकाउंट पूरा का पूरा, लाइव क्लासेस होंगे, सारी चीजें होंगे 300 रुपये में। जिन बच्चों को ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं और प्री रिकॉर्डेड भी पहले से मिल जाएगा आपके इंटरनल एग्जाम के लिए। सेम इसके अंदर आपका बैचेस जो लॉन्च किया हुआ है 2.0 सेमेस्टर फाइव के लिए, उस बैचेस के लिए भी आप अलग से देख लीजिए और कॉन्टेक्ट करिए, आपको एक बेस्ट प्राइस वहां पे मिल जाएगा। मैं 600 से नीचे का ही प्राइस बोलूंगा, 650 से भी नीचे का ही प्राइस मिलेगा, उससे ऊपर नहीं मिलेगा। सेमेस्टर थ्री वाले बच्चों ने बहुत एनरोल किया है और उनसे मैं बोलना चाहूंगा आप बिल्कुल भी आप चिंतित ना हो, मंडे से आपका बैच आ रहा है, बिल्कुल लाइव क्लासेस होगी, सारा शेड्यूल आपको तैयार होके मिल जाएगा। जो बच्चे रह गए अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं सिलेबस की क्लियरिटी दे दूंगा। तो होपफुली आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मेन एजेंडा हमारा ये था कि सर आपको ये क्लियरिटी मिले, तो होपफुली आप इन बातों को ध्यान रखेंगे और एग्जाम टाइम पे वही कहानी रिपीट नहीं करेंगे जो अभी बच्चों ने सेमेस्टर टू के अंदर किया था या जो बच्चे सेमेस्टर फोर के अंदर कर रहे थे, तो वो बिल्कुल भी मत करिएगा। आप स्टार्टिंग से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए और मैं बुक का एक एक पॉइंट कवर करने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करूंगा, 10 ईयर्स भी आपके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। आप जुड़े रहिए चैनल से, सब्सक्राइब करिए और लाइक अपने दोस्तों को शेयर भी करिए।